वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है रेलवे में 26,500 के आसपास। तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे से सुबह से ही कमेंट करके बोल रहे हैं, सर प्लीज़ आप इस पे वीडियो बना दीजिए, हमें बहुत सारे डाउट हैं। हम 10वीं पास हैं, हमने ITI किया हुआ है, हम 12वीं पास हैं, हमने जो है MA किया हुआ है, हमने BA किया हुआ है, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना रेलवे जॉब से रिलेटेड ये वाली, तो आप जो है इसके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखें तभी जो है आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज जो है आप इसका फॉर्म गलत फिल कर देंगे और आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो पोस्ट नेम की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। RRB ALP रिक्रूटमेंट भर्ती है, ऑल इंडिया अप्लाई है, भारत के आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कीजिए। तो हम बढ़ते हैं पूरे क्राइटेरिया की ओर, तो पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको लास्ट डेट बताऊंगा, 5 फरवरी 2018 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्यूचर में देखते हैं कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। खुद ट्राई मत करना, अगर कर सकते हैं तो कर लेना, अदरवाइज आप साइबर कैफे जाके ही फॉर्म को फिल करवाना। यहाँ पर जो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है, अप्रैल और मई में होने की पॉसिबिलिटी है, 2018 में हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा दे रखा है। लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया लोकेशन है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फीस है और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑल कैटेगरीज 250 रुपये फीस रखी हुई है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखी हुई है फीस। एज लिमिट यहाँ पर जो है 1 जुलाई 2018 को आपकी एज 18 से 28 साल होने चाहिए, यानी 1 जुलाई 2018 को आपके 18 से कम नहीं होने चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एज। उसके बाद हम बढ़ते हैं वैकेंसी डिटेल्स की ओर, तो पोस्ट नेम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर वैकेंसीज की ओर, तो यहाँ पर जो है 26,502 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें ALP के लिए यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 17,673 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 9,230, OBC के लिए 4,363, SC के लिए 2,694 और ST के लिए 1,387 पोस्ट है। उसके बाद जो है बात करते हैं टेक्नीशियन की, 8,800 पोस्ट है यहाँ पे, 8,829 पोस्ट है, जिसमें जो है आपकी जनरल के लिए 4,563, OBC के लिए 2,162, SC के लिए जो है 1,363 और ST के लिए जो है 738 पोस्ट है, जिसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है बस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी अलग से एग्जाम नहीं होगा, बस एक आपका, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकाल लेते हैं तो जो है आप इसका टेस्ट क्लियर कर पाएंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। और अगर आपको दोस्तों इसके क्वेश्चंस पेपर चाहिए पुराने और आपको जो है सिलेबस चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं इसका सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे, सर मैंने बस 10वीं पास कर रखा है, मैं 12वीं पास हूँ सिंपल, मैंने BA कर रखा है, मैंने BCOM कर रखा है। दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने जो है 10वीं पास किया है सिंपल तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, 12वीं पास किया है, 12वीं जो है साइंस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन उनका भी फिजिक्स और केमिस्ट्री मांगा हुआ है, BA नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ पे जो है पोस्ट निकाली गई टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई, टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे आपने टेक्निकल ITI किया हो या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो, NCVT और SCVT से ही मांगा, ये भी इन्होंने कोई लोचा रख दिया। मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने दो ही रखा है, जो बेचारे पुराने वाले हैं उनका क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अप्लाई करें क्योंकि बाद में जो है क्या पता क्राइटेरिया चेंज हो जाए। BCOM की बात करें तो BCOM भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है जिनका बैकग्राउंड BTech है और BTech के स्टूडेंट्स अपियरिंग है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात बता दूँ, IT से आपने किया हुआ है, कंप्यूटर से BTech किया हुआ है या फिर सिविल स्टूडेंट्स हैं आप तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और जितने भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कौन कर सकता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो अप्लाई के लिए है, आपका बैकग्राउंड अगर मैकेनिकल है या फिर आपका इलेक्ट्रिकल है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर ऑटोमोबाइल से टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप जो है इसके लिए यही चार मांगा है, इसी में जो है आपका होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है बात करते हैं, अगर आपने 10th कर रखे विदाउट ITI
और आपने जो है अप्रेंटिस किया हुआ है किसी भी कंपनी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आईटीआई 10th किया हुआ है तो नहीं कर सकते। अब इसलिए मैं बोलता था दोस्तों अप्रेंटिस जरूरी है, अगर आप अप्रेंटिस करेंगे तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है, इसलिए मैं बोल रहा था कि अप्रेंटिस कर लो। अगर अभी भी आपको कहीं भी मौका मिलता है ना अप्रेंटिस करने का तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो है बहुत ही अच्छी चीज है, बाद में इस तरीके की वैकेंसीज आती है ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं पहले जो है अप्रेंटिसशिप की आपके लिए वीडियोस ला चुका हूं, तो अभी उनकी डेट खत्म नहीं हुई है, अगर आप जो है उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनके लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। और जो एक बात बता दूं कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो खाली 12th पास है, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री किया हुआ है, वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जिसमें जो है आपका ये क्राइटेरिया मांगा है, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होता है, मैट्रिकुलेशन आपको बता दूं मैं 10वीं पास, या फिर SSLC यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट, आपका बस 12th का सर्टिफिकेट ये बोला है, प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए 10वीं पास, प्लस आईटीआई किया हुआ है आपने इन वाली फील्ड में, NCVT और SCVT ही मांगा है दोस्तों। NCVT होता है आपका एक नेशनल लेवल का, SCVT होता है आपका स्टेट लेवल का। जैसे कि इसमें कैटेगरीज हो गई, वाइंडर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिक हो गया, हीट इंजन हो गया, तो बाकी जो है यहाँ पर आप देख लेना। अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट आए ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा ही, आप मुझे फ़ोन कर लेना, कल मेरा कॉन्टैक्ट जो है ऑन रहेगा, आप मुझे संडे को फ़ोन करना, आपके जितने भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर आईटीआई मांगा हुआ है, और जो है यहाँ पर डिप्लोमा भी चलेगा। अब ये मत सोचना कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा नहीं चलेगा। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उन दो पोस्ट पर जिनके लिए अगर आपने खाली 12th करी हुई है, 12th में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिजिक्स और मैथ मांगा है, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं मांगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वो दो पोस्ट कौन सी है, ताकि जो है आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 70 जो पॉइंट है, टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल वाली पोस्ट है, जिसमें जो है आपका या तो आपने मैट्रिकुलेशन किया हो या फिर आपका 12वीं पास किया हो और साथ में आईटीआई किया होना जरूरी है एनसीबीटी या एससीबीटी से। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपका देखो ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट देखो इसमें, ये बी वाला पार्ट देखो इसमें जो है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बी वाला पार्ट, इसमें जो है आपका 10+2 और साथ में जो है फिजिक्स, आपका जो है यहाँ पर फिजिक्स और मैथ मांगा है, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 70 वाले की टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए। और 71 की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड टेली कम्युनिकेशन के लिए, ये जो है टेली कम्युनिकेशन के, इसमें भी आपका 10+2 विथ फिजिक्स और मैथ्स चल जाएगा। बस ये दो ही पोस्ट है दोस्तों जिनके लिए आप जो है खाली 12th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 12th में जो है आपका जो है यहाँ पर फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए और आपको इसका क्वेश्चंस पेपर चाहिए, पुराने वाले क्वेश्चंस पेपर, तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जो इस पर आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। आई होप वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो शेयर करनी है तो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की मदद हो सके, और प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है मैं आपके लिए और अपडेट्स ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।